नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिल्ट इन डेट फंक्शन इन VBA। दोस्तों, VBA में कई सारे डेट फंक्शन अवेलेबल है, जिससे हम डेट पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हमें सीधा यूज़ करना है उसके सिंटेक्स के हिसाब से। डेट पर जब हमें कोई मैनिपुलेशन करना है, मतलब डेट पर कोई ऑपरेशन करना है, हमें सिस्टम की करंट डेट चाहिए या उसमें से कोई डेट में से मंथ निकालना है, ईयर हमें चाहिए, तो ऐसे कोई भी जो डेट रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो उसके कई सारे बिल्ट इन फंक्शन दिए गए हुए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला फंक्शन है डेट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन हमारी सिस्टम की जो करंट डेट है, मतलब सिस्टम की जो डेट है, वो रिटर्न करेगा, मतलब वो हमें देगा। दूसरा फंक्शन है डे फंक्शन। दोस्तों, ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन में हमें इनपुट में हमें कोई डेट देनी है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम कोई भी डेट देंगे, फुल डेट, डे, मंथ और ईयर, इस तरह से हम फुल डेट देंगे, तो वो हमें क्या निकाल के देगा, उसमें से जो डे है वो फाइंड करके देगा। मान लो आज की डेट है 13 जून 2020, तो जो अब हम इस फंक्शन को 13 जून 2020 हम देंगे, तो वो क्या निकाल के देगा, उसमें से 13 निकल के हमें रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, डेट में से हमें डे निकाल के देगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन है मंथ। ये फंक्शन हमें जो दी गई हुई डेट है, डेट वैल्यू है, उसमें से मंथ अलग से निकाल के देगा। फिर फंक्शन है ईयर। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें दी गई हुई वैल्यू में से, दी गई हुई डेट में से सिर्फ ईयर अलग करके देगा। फिर लास्ट फंक्शन है नाउ। नाउ क्या करेगा, सिस्टम की जो करंट डेट है वो हमें देगा। तो दोस्तों, ये डेट फंक्शन और नाउ फंक्शन दोनों करंट डेट देंगे, मगर जो डेट फंक्शन है वो सिर्फ डेट ही देगा, सिस्टम की करंट डेट ही देगा। मगर ये नाउ फंक्शन है वो क्या करेगा, सिस्टम की करंट डेट और टाइम दोनों देगा। तो दोस्तों, इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि और हमें समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये हमारा पहला एग्जांपल है डेट फंक्शन, इनबिल्ट डेट फंक्शन के लिए। इसमें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम की जो करंट डेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। जब ये बटन पे क्लिक करूँगा तब, तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जो सिस्टम की जो करंट डेट है वो आ रही है 14th June 2020। तो मेरी जो सिस्टम का जो यहाँ पे टाइम जो भी होगा, सॉरी डेट जो भी होगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर जब हम दूसरे बटन डे पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे जो भी डेट होगी उसमें से जो डे है, मतलब जो तारीख है, वो यहाँ से अलग निकाल के यहाँ पे हमें लिखनी है। तो इसकी जो तारीख है वो कौन से, सिर्फ तारीख, मंथ और ईयर नहीं, तारीख है 14। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो पूरी डेट है उसमें से सिर्फ डे ही अलग करके यहाँ पे डिस्प्ले करना है डे फंक्शन की मदद से। उसी तरीके से इस डेट में से हमें सिर्फ मंथ ही यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो जब हम मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा इसमें से मंथ, उसी तरीके से ईयर। और फिर नाउ फंक्शन है। नाउ फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी सिस्टम की जो डेट है और टाइम है, जो भी डेट और टाइम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो जब हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 0, जो डेट है वो 14th June 2020, और टाइम है वो 0:03। तो ये जो सिस्टम का टाइम है वो 12 AM है, इसलिए ये जो टाइम आ रहा है वो 24 के हिसाब से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है 0। तो जब जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी बार जो सिस्टम की जो करंट डेट है और टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है। ये बटन की क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें सिस्टम की सिर्फ करंट डेट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब इस बॉक्स में हमें करंट डेट चाहिए। तो ये सेल कौन सा है, ये सेल है C
तो C3 में हमें क्या चाहिए, सिस्टम की करंट डेट। तो इस ये बटन की क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे हमें C3 सेल में सिस्टम की डेट चाहिए, सिस्टम की करंट डेट चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, और रेंज में लिखेंगे हमारा जो सेल है वो C3, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, इसलिए हम डॉट वैल्यू लिखेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी है। और C3 सेल में क्या चाहिए हमें, सिस्टम की करंट डेट चाहिए। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे डेट। अब हम हमारे एक्सेल शीट में चले जाते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ करके जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रही है सिस्टम की करंट डेट आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी कोई डेट हो, डेट है, फुल डेट है, उसमें से हमें सिर्फ डे अलग करके यहाँ पे डिस्प्ले करना है डे फंक्शन की मदद से। तो फिर से दोस्तों मैं डिज़ाइन मोड ऑन कर लेता हूँ, और ये जो बटन है उसकी क्लिक इवेंट में मैं कोडिंग लिखता हूँ। दोस्तों हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो भी डेट डिस्प्ले लिखी हुई है उसमें से हमें चाहिए डे। तो ये सेल कौन सा है, ये सेल है C3। तो C3 में जो भी कोई वैल्यू हो उसमें से हमें डे चाहिए, और वो डे कहाँ पे लिखना है, C4 में लिखना है। तो दोस्तों अभी मैं सीधा कोडिंग लिख रहा हूँ, हमें डे कौन सी सेल में चाहिए, C4 में चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज ब्रैकेट में C4, जहाँ पे हमें हमारा डे चाहिए, डॉट वैल्यू इक्वल टू कौन सी वैल्यू में से हमें डे चाहिए। तो यहाँ पे C3 में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसमें से हमें डे चाहिए। तो यहाँ पे डे निकालने के लिए, डे अलग करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डे, और फंक्शन जो है उसमें ब्रैकेट के अंदर हमें डेट लिखनी पड़ेगी। तो डेट कौन सी लिखनी है, तो डेट हमें ये लिखनी है, और ये सेल है C3। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूँगा रेंज C3 ब्रैकेट ओवर, रेंज का ब्रैकेट ओवर, और उसकी हमें चाहिए वैल्यू। अब जो हम ब्रैकेट ओवर करेंगे वो डे फंक्शन का ब्रैकेट ओवर करेंगे। तो ये हमारा डे फाइंड करके देगा, डे अलग करके देगा। तो हम डिज़ाइन मोड ऑफ करके यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 14, तो सही तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या किया, ये मैंने सिर्फ एक ही लाइन में हमारा कोडिंग लिख दिया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम अभी के लिए इसको हम कमेंट में रख देते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिम DT एज ए स्ट्रिंग, और DT में हम क्या स्टोर करेंगे, जो C3 सेल की जो वैल्यू है वो हम DT में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंज C3 डॉट वैल्यू, तो DT में C3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, DT में से जो डेट DT वेरिएबल लिया है उसमें जो भी कोई वैल्यू होगी उसमें से हम सिर्फ डे ही निकालेंगे, और C4 सेल है, यहाँ पे C4 सेल है, वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंज C4, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, इसलिए हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू। और क्या करेंगे, हमें डे चाहिए, इसलिए डे फंक्शन लिख के बीच में हम लिखेंगे DT, जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है। तो दोस्तों अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ ही है, डे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 14 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये सीधा एक ही लाइन में सीधा कोड आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमने इसमें किया क्या, ये जो C3 है उसको इसमें स्टोर किया, DT वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर DT वेरिएबल को यहाँ पे डे फंक्शन में ब्रैकेट के बीच में रख दिया। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं, यहाँ पे जो DT में हम स्टोर करें वैल्यू वो सीधी हम डे फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कोडिंग है, वो जो कोडिंग की जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कम हो जाएगी। तो ये था हमारा डेट डे फंक्शन। अब हमें इस डेट में से सिर्फ मंथ ही चाहिए, तो हम यहाँ पे मंथ बटन की क्लिक इवेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों अभी ये आपको समझ आ गया है, तो यहाँ पे मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जब हमने
लिखा था तब हमें डे चाहिए था, अब हमें चाहिए मंथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ, और मंथ कौन से सेल में आना चाहिए? सी फाइव। ये कौन सा सेल है? ये है सी फाइव। तो यहाँ पे हम सी फोर को निकाल के हम लिखेंगे सी फाइव। तो दोस्तों क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की। ये वैल्यू क्यों स्टोर की? क्योंकि इस डेट में से हमें मंथ अलग निकालना है, इसलिए। तो यहाँ पे हम डी टी वेरिएबल में सी थ्री सेल की वैल्यू लिख रहे हैं, और डी टी वेरिएबल में जो भी कोई वैल्यू आई होगी उसमें से हम मंथ अलग कर लेंगे। तो अब हम मंथ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा मंथ है? सिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिक्स। उसी तरीके से हम ईयर को अलग करेंगे, तो यहाँ पे इस बटन पे हम डबल क्लिक करके उसमें ईयर के लिए कोडिंग लिखेंगे। तो फिर से यहाँ पे मैं कोडिंग ऊपर का जो कोड है वो पेस्ट कर देता हूँ, और वहाँ पे अब हमें चाहिए ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, और ये जो ईयर लिखा हुआ है वो कौन से सेल में आना चाहिए? सी सिक्स। कौन से सेल में आना चाहिए? सी सिक्स। तो यहाँ पे हम सी फोर निकाल के लिखेंगे सी सिक्स। डिज़ाइन मोड ऑफ करके जब ये ईयर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ईयर आ रहा है? 2020। तो ये जो डेट है उसमें से है ईयर अलग करके निकाल करके हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। लास्ट फंक्शन है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करेगा दोस्तों? हमारी जो सिस्टम की करंट डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करेगा, दोनों हमें रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे नाउ बटन की क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे हमारा कोड। यहाँ पे हमें कौन से सेल में डेट और टाइम चाहिए? तो ये सी सेवन, सी सेवन सेल है उसमें हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूँगा रेंज ब्रैकेट में सी सेवन ब्रैकेट ओवर, फिर उसमें उसकी वैल्यू हमें सेट करनी है इसलिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी लिखेंगे, और उसमें हमें चाहिए हम डेट और टाइम, इसलिए हम यहाँ पे नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे। नाउ फंक्शन के ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं देना है, और अब हम हमारा डिज़ाइन मोड ऑफ करके नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। टाइम हमारी सिस्टम का हुआ है 12:13, तो यहाँ पे एम है इसलिए 12 को 24 आवर्स के हिसाब से गिनती करें तो ज़ीरो होगा और मिनट्स 13। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें डेट डे मंथ ईयर और नाउ फंक्शन का हमने यूज़ किया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है वीक डे। दोस्तों ये फंक्शन क्या करेगा? वीक डे को हमें एक डेट देनी पड़ेगी, और वो वीक डे है वो डेट में से हमें वीक का कौन सा डे है उसका नंबर हमें अलग से निकाल के देगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? वो 1 से लेके 7 तक इसमें से कोई एक वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा, हमने जो यहाँ पे जो भी कोई डेट दी हुई होगी उसमें जो वो डेट पे जो डे है वो संडे होगा, तो वो ये फंक्शन क्या करेगा? हमें 1 रिटर्न करके देगा। अगर उसमें मंडे होगा तो क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन? 2 रिटर्न करेगा। अगर ये डेट है उसका जो डे है वीक डे है वो सैटरडे होगा, तो वो ये फंक्शन हमें क्या करेगा? 7 रिटर्न करके देगा। तो इस तरीके से जो भी डे होगा उस हिसाब से हमें न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करके देगा, और न्यूमेरिक वैल्यू संडे के लिए 1 है, मंडे के लिए 2, और इसी तरीके से लास्ट सैटरडे के लिए 7 है। तो दोस्तों इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा हमें पता चल जाए किस तरीके से ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम कोई भी डेट एंटर करेंगे और यहाँ पर उसका वीक डे कौन सा है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों अभी मेरी सिस्टम की जो डेट है वो 14 जून है, और इसका जो डे है वो संडे है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 14-6-2020। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जो हमने यहाँ पे दिखाया जो संडे है उसके लिए 1 है, मंडे के लिए 2 है, इसी हिसाब से लास्ट डे सैटरडे है उसके लिए 7 है। तो यहाँ पे संडे है इसलिए 1 आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑन कर लेते हैं, और वीक डे बटन है उसकी क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डी टी, और उसको हम डेटा टाइप दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कोई वैल्यू एंटर करेंगे वो डेट करेंगे, इसलिए हम इस डी टी वेरिएबल में हम स्टोर करने वाले हैं, इसलिए इसकी डेटा टाइप हमने पहले से ही डेट दे दी है। अब डी टी में हम
स्टोर करेंगे रेंज, और रेंज कौन कौन सा सेल है, C3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे C3, और उसकी हमें वैल्यू चाहिए इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। तो DT वेरिएबल है उसमें ये सेल की वैल्यू आ गई उस, और अब हम उसमें से क्या निकालेंगे, उसका वीक डे निकालेंगे और डिस्प्ले करेंगे C4 में। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे रेंज, C4, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है इसलिए उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करेंगे डॉट वैल्यू, और वैल्यू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो DT में जो भी कोई वैल्यू होगी डेट होगी उसमें से हमें उसका वीक डे नंबर कौन सा है वो चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीक डे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे DT। अब हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं डिज़ाइन मोड ऑफ करके। यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, आज की ही जो मेरी सिस्टम की जो डेट है वो हम डाल देते हैं 14 जून 2020। अब हम वीक डे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1। मान लो हम 15 तारीख डाल देते हैं और फिर हम वीक डे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2, क्योंकि जो 15 तारीख है उसमें कौन सा डे है, मंडे है, और मंडे की जो वैल्यू है वो 2 रहेगी क्योंकि उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो संडे से गिनती करके सैटरडे तक जाती है, और संडे की गिनती में संडे फर्स्ट है इसलिए उसकी वैल्यू 1 है, मंडे की 2 है। अगर हम यहाँ पे 20 डाल देते हैं 20 जून, और फिर वीकडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो 20 डेट है उसका सैटरडे है और हमारी जो सिंटेक्स है उसकी जो रिटर्न वैल्यू है उसके हिसाब से सैटरडे के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू VBA ने पहले से डिसाइड की है वो है 7। तो दोस्तों ये था हमारा वीकडे फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वीकडे नेम। तो दोस्तों वीकडे नेम क्या करेगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 to 7 में से उसमें से हमें जो भी डे है उसका नेम देगा। दोस्तों ये वीकडे फंक्शन क्या करेगा, डेट है उसमें से न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के देगा, जो भी कोई डे होगा सैटरडे होगा संडे होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, और वो डे का नेम हमें चाहिए तो वो वीकडे फंक्शन वीकडे नेम फंक्शन देगा। तो यहाँ पे अगर जो ये ब्रैकेट है उसमें हम 1 डालेंगे तो वीकडे नेम क्या करेगा, संडे निकाल संडे रिटर्न करेगा, संडे लिख के रिटर्न करेगा। अगर हम इसमें 2 डालते हैं तो वीकडे नेम क्या करेगा, मंडे रिटर्न करके देगा। तो इसी तरीके से हम उसका प्रोग्राम कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमें चाहिए क्या, यहाँ पे जो भी डेट लिखे है उसका जो वीकडे नेम है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये 20 जून 2020 है और उसका डे है, डे का नेम है सैटरडे, 20th को सैटरडे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, सैटरडे। तो जब भी यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ रहा है सैटरडे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डे जो भी डेट है उसमें से उसका डे वीक डे निकालना पड़ेगा, मतलब 7, और 7 है वो इस फंक्शन को देना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन उस डे का नेम हमें निकाल के दे। तो ये हम प्रोग्राम 2 फंक्शन की मदद से कर सकेंगे, पहले तो हमें उसका चाहिए वीक डे, और वीक डे में से हमें उसका जो वीकडे का नेम है वो निकालेंगे वीकडे नेम फंक्शन की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड ऑन कर लेते हैं, ये बटन की क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ डे नम नाम का, और उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख लेता हूँ क्योंकि उसमें हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू आएगी 1 to 7 में से कोई भी वैल्यू आएगी वो हमें इस वेरिएबल में स्टोर करनी है, इसलिए हम उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं। डे नम में हम उसको वैल्यू स्टोर कर देते हैं, कौन से सेल की वैल्यू हमें चाहिए, C4 की वैल्यू हमें डे नम वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज C4 और उसकी हमें वैल्यू चाहिए इसलिए हम लिखेंगे वैल्यू। अब ये डे नम आया, उसमें से हम उसका डे रिटर्न करने के लिए डे वीक डे नेम फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो भी डे आएगा वो हमें कहाँ पे लिखना है, सी
फाइव में लिखना है, सी फाइव में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज सी फाइव, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है इसलिए हम लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में हमें क्या चाहिए, वीक डे नेम चाहिए, इसलिए वीक डे नेम फंक्शन, और उसके ब्रैकेट में हमें क्या डालना है, वीक डे का नंबर डालना है, तो जो भी कोई नंबर होगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर दिए, इसलिए हम इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे डे नम, और ये हमारा ब्रैकेट ओवर। और अब हम डिज़ाइन मोड ऑफ करके ये बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है जो भी डे है उसका नेम। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं डेट चेंज करके आज की जो सिस्टम की जो करंट डेट है वो डाल देता हूँ 14 जून 2020, और उसका डे है संडे, तो यहाँ पे मैं डालूँगा 4 जून 2020। दोस्तों यहाँ पे मैं वीक डे पे क्लिक करूँगा तो आ रहा है 1, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आ रहा है संडे। तो इस जो ये जो फंक्शन सॉरी ये जो डेट है उस वो कौन सा डे है, तो संडे है। अभी हम इसको 15 जून कर देंगे, वीक डे पहले फाइंड करेंगे तो 2, फिर वीक डे नेम मंडे। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जांपल। दोस्तों इसकी मदद से आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें क्या करना है, जो यूज़र है वो अपना बर्थ डेट डालेगा और आप उसको क्या सर्च करके दोगे, आप उसको कौन से डे में कौन से डे पे उसका बर्थ हुआ था वो डे का नेम आप उसको डिस्प्ले करके दे सकते हैं। मान लो दोस्तों जो टाइटेनिक डूबा था, टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था, वो 31 मई 1990 था, तो 31 मई 1911 था, तो वो तारीख को कौन सा दिन था ये हमें जानना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मई, मतलब 5-1911 डेट लिख के हम वीक डे फाइंड करेंगे 4, और उसके ऊपर से हम उसका डे फाइंड नेम फाइंड करेंगे, वीक डे का नेम क्लिक तो वेनसडे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, जब टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था तब था वेनसडे। तो इसी तरीके से आप अपना बर्थडे भी सर्च कर बर्थडे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले डेट एंटर करनी है, और फिर जब वीक डे नेम पे क्लिक करे तब उसको सीधा उसके डे का नेम डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से आप ये दोनों फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टाइम रिलेटेड, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है आवर। दोस्तों यहाँ पे जो आवर फंक्शन है उसमें हम ब्रैकेट में टाइम डालेंगे तो वो उसमें से हमें आवर निकाल के डिस्प्ले करेगा, उसी तरीके से मिनट, हम उसको ब्रैकेट में पूरा टाइम देंगे तो उसमें से मिनट अलग करके हमको रिटर्न करेगा। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें टाइम डालना है। मान लो हम यहाँ पे हम टाइम डाल रहे हैं 10:25। तो यहाँ पे जब हम आवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया डिस्प्ले होगा 10, क्यों, यहाँ पे जो टाइम है उसमें से आवर निकाल के देगा, और जब हम मिनट पे क्लिक करेंगे तो ये जो टाइम है उसमें से मिनट अलग करके यहाँ पे डिस्प्ले करना है। मान लो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 11:13 AM, तो जब हम आवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 11, मिनट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रही है मिनट। जब यहाँ पे हम दोपहर के 1:30 डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा PM, तो आवर क्या डिस्प्ले करेगा 13। यहाँ पे 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आवर फंक्शन है वो 24 के हिसाब से हमें आवर कैलकुलेट करके देगा, इसलिए दोपहर के 12 के बाद जो 1 बजता है उसको 13 काउंट करेगा, 2 को 14, इसी हिसाब से रात के 11 बजे को 23 काउंट करेगा। तो ये जो आवर फंक्शन है वो क्या करेगा, 24 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके देगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है, आवर बटन की क्लिक इवेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कोडिंग। दोस्तों यहाँ पे जो टाइम दिया है उसको हमें कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डीम TM एज ए डेट। डेट क्यों हमने यूज़ की, क्योंकि डेट और टाइम दोनों के लिए
दोनों तरह की वैल्यू के लिए हमारे पास डेटा टाइप है डेट, इसलिए हम उसको डेट डेटा टाइप दे रहे हैं टीएम वेरिएबल को। टीएम में हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे जो भी कोई टाइम होगा वो उसमें हम स्टोर करेंगे। तो ये सेल है C3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज ब्रैकेट में C3, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में C3, और उसकी हमें वैल्यू चाहिए इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो टीएम में C3 की वैल्यू आ गई, और उसमें से हमें अब पहले क्या चाहिए, अवर चाहिए। तो यहाँ पे जो सेल है वो कौन सा है, C4, C4 में हमें अवर डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज C4 डॉट वैल्यू, और वैल्यू कौन सी चाहिए, टीएम में से, टीएम वेरिएबल में से अवर चाहिए। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे अवर, और टाइम लिखेंगे जो हमने स्टोर किया है टीएम में। अब हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, डिजाइन मोड ऑफ कर लेते हैं, अवर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 30। उसी तरीके से हमें मिनट चाहिए तो हम मिनट की क्लिक इवेंट में लिखेंगे। यही प्रोग्राम रहेगा, यही कोडिंग रहेगा, सिर्फ हमें आवर की जगह मिनट लिखना है, और मिनट हमें चाहिए C5 में, तो यहाँ पे लिखना है C5। अब हम डिज़ाइन मोड ऑफ करके मिनट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मिनट्स। तो दोस्तों ये था टाइम फंक्शन, आवर और मिनट्स। दोस्तों डेट फंक्शन, इनबिल्ट डेट फंक्शन में लास्ट है डेट डिफ। दोस्तों ये क्या करेगा, ये दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है वो डिस्प्ले करके देगा। तो ये उसका सिंटेक्स है, यहाँ पे आपको पैरामीटर इंटरवल डालना है, मतलब आपको जो डिफरेंस है कौन से चाहिए, ईयर में चाहिए, मंथ में चाहिए, आवर में चाहिए, किस तरीके से आपको डिफरेंस चाहिए वो आपको पैरामीटर इंटरवल में लिखना है। और यहाँ पे पहली डेट और दूसरी डेट जो जिसके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। दोस्तों ये पैरामीटर इंटरवल है उसकी वैल्यू पहले से फिक्स है, तो ये वैल्यू कौन कौन सी होगी, जो अगर आपको ईयर में डिफरेंस चाहिए तो 4 बार वाई 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 लिखना है, अगर ये डिफरेंस आपको क्वार्टर में चाहिए तो क्यू लिखना है, मंथ में चाहिए तो एम लिखना है, डे में चाहिए, डे ऑफ ईयर में चाहिए तो आपको वाई में लिखना है, डे में चाहिए तो डी लिखना है, वीक डे में चाहिए तो डब्ल्यू, वीक में चाहिए तो डबल डब्ल्यू, आवर में चाहिए तो एच, मिनट में चाहिए तो एन, और सेकंड में चाहिए तो आपको लिखना है एस। तो दोस्तों इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है, चौथा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने पहली डेट डाल दी है, और यहाँ पे मैंने दूसरी डेट डाल दी है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस दोनों डेट का डिफरेंस डिस्प्ले करना है ईयर के हिसाब से। जब ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है 33। दोस्तों तो टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था वो 31 मई 1911 था, और आज की जो हम सिस्टम डेट डाल दें 14 जून 2020, तो टाइटेनिक को डूबे कितने साल हुए वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 109 साल पहले टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था, और ये जो डिफरेंस हमने मंथ में डे ईयर में फाइंड किया, अब हम ये डिफरेंस की मंथ में फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मंथ, तो टाइटेनिक को डूबे कितने मंथ हुए, 1309 मंथ हुए टाइटेनिक को एक्सीडेंट हुए, टाइटेनिक को डूबे। तो इस तरीके से आप कोई भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं दो डेट के बीच में। और ये प्रोग्राम किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है, ये जो बटन है उसके क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे दो डेटा टाइप के दो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, DT1 DT2। क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू है किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बीच का हमें डिफरेंस डिस्प्ले करना है इसलिए। तो DT1 DT2 में हम ये दोनों सेल की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। C3 DT1 में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DT1 इक्वल टू रेंज C3, और उसकी हमें चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू। उसी तरीके से हमें D2 में C4 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D2 और यहाँ पे लिखेंगे C4। तो DT1 और DT2 में हम वैल्यू आ गई, और अब हम उसका डिफरेंस ईयर में सर्च करके यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो ये सेल है C5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
रेंज सी फाइव डॉट वैल्यू इक्वल टू, जो डेट डिफरेंस के लिए हमने फंक्शन देखा था, डेट डिफ, पहले हमें इंटरवल डालना है, मतलब आपको यहाँ पे जो पैरामीटर इंटरवल है कौन किस में चाहिए, तो हमें ईयर में चाहिए, इसलिए हम चार बार फोर टाइम्स वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे फोर टाइम्स वाई। फिर हमें फर्स्ट डेट लिखनी है, वो हमने स्टोर की है डी टी वन वेरिएबल में, और दूसरी डेट हमें देनी है जिसके बीच में हमें डिफरेंस चाहिए डी टी टू ब्रैकेट ओवर। अब हम हमारा फंक्शन है वो चेक कर लेते हैं, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सही तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से हमें मंथ पर कैलकुलेट करने हैं, डिजाइन मोड ऑन करके मंथ बटन में हम चले जाते हैं, और ये जो कोडिंग हमने लिखा था ईयर के लिए उसी तरीके से इसका कोडिंग रहेगा, सिर्फ यहाँ डिफरेंस है वो हम वाई निकल के एम कर देंगे, इसलिए वो डिफरेंस है मंथ में मिलेगा। और स्टोर कहाँ पे करना है, सी सिक्स में। सेव कर लेते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ कर लेते हैं, क्लिक करेंगे 1309। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपकी जो बर्थ डेट है वो 14 जून 1995 है, तो यहाँ पे 14 जून 1985, और यहाँ पे क्या करना है, आज की डेट डिस्प्ले करनी है, आज की डेट डाल दो, आज की डेट है 14 जून 2020। हम ईयर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अभी आपकी साल एज है 25, और आप कितने मंथ के हुए, आप हुए 300 मंथ के। तो इस तरीके से आप आवर भी फाइंड कर सकते हैं, कितने आवर आपकी जो एज है वो कितने आवर हुई। यहाँ पे जो पैरामीटर वैल्यू है वो हम एच डाल देते हैं, एम निकाल के एच डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा क्या डिस्प्ले होगा, 219,168। तो अभी आप कितने साल के, कितने आवर के हुए, तो इतने आवर के हुए। तो इस तरीके से आप अपना एज कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टाइम और डेट फंक्शन, तो इस सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।